महाशिवरात्रि के अवसर पर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। श्रद्धालुओं को इस बार आसानी से दर्शन प्रशासन ने करवाए। लोगों ने बेलपत्र धतूरा चढ़ाकर मनोकामना भी मानी। शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष वार्षिक आयोजन भी किया जाता है। गंज बासुदा से 18 किलोमीटर दूर स्थित राजा उदयादित्य की नगरी ग्राम उदयपुर अति प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान महादेव के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि के अवसर पर इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और उगते सूरज के साथ लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करके उदयपुर की ओर चल पड़ते हैं। हजारों वर्ष पूर्व परमार वंश के राजा उदयादित्य द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था, जहां पत्थरों से निर्मित इस मंदिर में बारीकी से नक्काशी की गई है, जिसमें इस अति प्राचीन शिव मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। उदयपुर का आ रही है तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का माहौल कैसा लगा और किस प्रकार यहाँ सहयोग मिला? बहुत अच्छा लगा। भोले भोलेनाथ के बारे में? जय भोले नाथ। जय कितने साल से आ रही है? हमारे बुजुर्ग आते थे, हमारे जब से बुजुर्ग रह रहे जहाँ पे, जब इसे आ रहे, जब से यहाँ मेला भरी है तभी से हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ मेला के अवसर पे। और क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। हर हर महादेव। भोलेनाथ का बोला है, कुछ गा के तो सुना दो। शिवरात्रि के पर्व पर आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों धार्मिक आस्थावान नागरिक आते हैं। और मैं देख रहा हूँ इस वर्ष प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी भक्तजन बड़ी ही सरलता के साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। आपने क्या, ऐसी क्या मनोकामना मांगी आज आपने? मेरी कोई मनोकामना नहीं है, इस क्षेत्र की मनोकामना है और आज यह सार्थक हुआ है। हम लोग जब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे तो मंदिर के पुजारी जी की जो अंतरात्मा ने हम सभी के सामने भावाभिव्यक्ति की, वह थी इस क्षेत्र को जिले के दर्जे की बहुत दिनों से मांग की जा रही है। और परम आदरणीय पुजारी जी के मन में जो भाव था, उन्होंने अभिषेक के पश्चात इस प्रकार से पुष्पहार पहनाकर पूरे जनता की जो भावना थी, जो जनभावना थी, उस पर मोहर लगा दी और हम सभी को आशीर्वाद दिया है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का नाम लेकर कार्य को आरंभ करो, ईश्वर की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई तो क्षेत्र को जिले का दर्जा अवश्य प्राप्त होगा। चलो रवि के ले लो। जनता तो इसी बात को कहती है कि एक रात का बना हुआ है, मगर ये राजा उदयादित्य ने एक राज में, परमार राजा उदयादित्य थे 10वीं सदी में, उनका राज भोजपुर से लेके उदयपुर से लेके मथुरापुर की बावड़ी तक था। ये तीनों स्मारक राजा उदयादित्य ने 10वीं सदी में निर्माण कराए थे। अच्छा। मथुरापुर की बावड़ी, भोजपुर के खम्भ और उदयपुर का जो देहरा, इसका देहरा नाम विख्यात है, प्राचीन देहरा नाम। हाँ, ये नीलकंठेश्वर मंदिर उद्येश्वर को ग्रामीण लोग देहरा बोलते हैं। तो हर साल इसमें महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, तो कितने बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं? बहुत श्रद्धालु आते हैं साहब, बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं। इसमें विचित्र कला है, जो पत्थर में कलाकारी की गई है, ये विचित्र है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। दादा, बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर एक कारीगर है जो पत्थर के बन गए हैं, कौन है, क्या है इसकी पूरी बताएं? इसकी ये बताते हैं कि ये मुख्य कलाकार था मंदिर बनाने वाले कारीगरों में, तो ये मुख्य कलाकार की राजा ने खुश होकर उसकी आकृति उस मंदिर पर लगवा दी है। ठीक है।
सर यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है धार्मिक स्थलों पर कई जगह अव्यवस्था देखने आई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार क्या व्यवस्था की गई? पहले तो मुझे पहले आपको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यहाँ पर कितनी व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हो रही है। मैं लगभग सुबह 3 बजे से यहाँ हूँ और अभी तक लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने दर्शन किए हैं। जैसा मुझे बताया गया है कि श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है, उसका कारण संभवतः आसपास घटित घटनाओं के कारण ही है, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और लगभग सब प्रकार के फोर्स को मिला के लगभग 300 पुलिस कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी कहा जा सकता है उसमें यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारे 300 उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं मुझसे, उनको बारी बारी से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी में साथ मौका ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। जिला स्तर से कौन कौन यहाँ पर अभी अधिकारी? जिला स्तर से मतलब अभी हमारे पुलिस अधीक्षक आगे गए हैं सुबह, और अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पधारे हुए हैं, और बाकी हमारे यहाँ DSP अजय के आए हुए हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। व्यवस्था में हमारे यहाँ अपना बंदोबस्त यहाँ लगाया जाता है, उससे ज्यादा लगाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।